सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल शुभांशु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल शुभांशु। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअल रियलिटी फूड के बारे में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वर्चुअल रियलिटी फूड क्या है और ये कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में। तो दोस्तों वर्चुअल रियलिटी फ्यूचर है एंड कभी ना कभी इसमें फूड तो आएगा ही। तो प्रोजेक्ट नॉलेज जैसी कंपनी है जो खुद को गैस्ट्रोनॉमिकल वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस बताती हैं, उन्होंने वर्चुअल रियलिटी को कई तरीकों से इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। वो कई तरीके के एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं कि हम क्या और कैसे खाते हैं। तो दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि आपको खाने में क्या मिलेगा और आखिर आप इसे खाएंगे कैसे? तो दोस्तों प्रोजेक्ट नरिस जो कंपनी है वो आपको सर्व करती है डिनर, जिसके लिए आपको दिया जाता है एक VR हेडसेट, जिससे कि आप विजुअलाइज करेंगे कि आप क्या खा रहे हैं, चाहे वो जो भी हो। और इसके अलावा आपको दिया जाएगा एक एरोमेटिक डिफ्यूज़र, जिससे कि आपको जो आप खा रहे हैं उस खाने की आप खुशबू ले सकें और आपको वो फूड जो है रियल लगे। इसके अलावा आपको दिया जाएगा एक बोन कंडक्शन ट्रांसड्यूसर, जिससे कि आप चबाने की जो आवाज़ है उसकी नकल कर सकें। इसके अलावा आपको मिलेगा एक 3D प्रिंटेड फूड, जो कि टेस्ट और डिज़ाइन के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों वर्चुअल रियलिटी फूड जो है वो हमारे लिए कई तरीकों से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और जिनके लिए जो मतलब स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉलो करते हैं, एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं, उनके लिए तो ये एक वरदान से कम नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसमें आप हाई कैलोरी फूड आराम से खा सकते हैं और इसका कोई नेगेटिव जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इससे आप जैसे जो भी हाई कैलोरी फूड है, जैसे कि छोला भटूरा या फिर जितने भी ऑयली फूड है, उन्हें आप आराम से खा सकते हैं, उनका मज़ा ले सकते हैं बिना किसी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट के। जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं विराट कोहली जी, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें छोले भटूरे बहुत पसंद है। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो इस छोले भटूरे या फिर जो भी उनका मनपसंद खाना है उसे आराम से खा सकते हैं बिना किसी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट के। दोस्तों ये उनके लिए भी अच्छा है जिन्हें किसी फूड से एलर्जी है लेकिन वो फूड उनको बहुत पसंद है, वो उस फूड को आराम से खा सकते हैं और उनकी एलर्जी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है उसमें भी एक ईटिंग थेरेपी का काम करेगा, जिससे कि आराम से जो है उनका जो एक इलाज है वो हो सकेगा। दोस्तों इसकी वजह से आप वो फूड भी खा सकते हैं जो कि अभी मौजूद भी नहीं है। तो दोस्तों आपका वर्चुअल रियलिटी फूड पे क्या कहना है बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। और अभी के लिए इतना ही, मैं शुभांशु सिंह आपसे अलविदा लेता हूँ।